दोस्तों नोबेल पुरस्कार इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और यह अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया की प्रगति और शांति के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की शांति के लिए दिए जाने वाला यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल की याद में दी जाती है, जिन्हें उनके आविष्कार की वजह से लोग उनसे बहुत नफरत करते थे और उन्हें मौत के सौदागर के नाम से जानते थे। दोस्तों इसके पीछे के कारण को अच्छी तरीके से जानने के लिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। उनकी मां का नाम कैरोलिन था और उनके पिता का नाम इमैनुएल, जो पहाड़ों से पत्थरों को तोड़कर पुल बनाने का काम करते थे। कुछ समय के बाद स्वीडन में काम की कमी होने पर इमैनुएल 1842 में पूरे परिवार के साथ रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए, जहां वह रूस की सरकार के लिए गन पाउडर बनाया करते थे ताकि रूस की सेना उसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों बता दूं कि गन पाउडर एक काले रंग का पाउडर होता है जो बारूद, कोयला और भी बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सचर होता है और यह मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला विस्फोटक है। फैक्ट्री खोलने के कुछ सालों के बाद ही क्रीमिया का युद्ध शुरू होने वाला था, जिससे गन पाउडर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इमैनुएल का बिजनेस तेजी से चल पड़ा। उनके पास बहुत सारे पैसे भी हो गए। उसके बाद अल्फ्रेड के पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए घर पर प्राइवेट टीचर भी रखे, जिनकी वजह से अल्फ्रेड को 17 साल की छोटी उम्र में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं की अच्छी जानकारी हो गई और साथ ही साथ उन्होंने केमिस्ट्री में भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली। अल्फ्रेड को 1850 में और अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके वह पेरिस चले गए और वहां अस्कानियो सोब्रेरो से मिले, जिन्होंने 3 साल पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किया था। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा केमिकल था जो गन पाउडर या फिर किसी और विस्फोटक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह सुरक्षित नहीं था। उसे एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि वो कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था, इसीलिए उस समय तक उसका यूज ज्यादा नहीं हुआ करता था। उसी बीच क्रीमिया का युद्ध भी खत्म हो चुका था और अल्फ्रेड के पिता को रूस से फैक्ट्री बंद करके वापस स्वीडन आना पड़ा। अल्फ्रेड भी नाइट्रोग्लिसरीन का सैंपल लेकर अपने घर स्वीडन आ गए और अपने पिता और भाई के साथ मिलकर उसे सुरक्षित बनाने का रिसर्च करने लगे। लेकिन इसी बीच 3 सितंबर 1864 को उनके लैब में नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्ट हो गया और उसमें उनके भाई इमिल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उनके पिता ने वह काम छोड़ दिया और स्वीडन की सरकार ने भी रिसर्च लैब शहर में खोलने पर रोक लगा दिया। यह अल्फ्रेड और उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन अल्फ्रेड शांत बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने शहर के बाहर एक नया लैब बनवाया और वह पूरी शिद्दत के साथ नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित करने की खोज करने लगे। देखते ही देखते कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और बताया कि यदि नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलाई जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन का पेस्ट बन जाता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। इस खोज का पेटेंट उन्होंने डायनामाइट नाम से किया। उनके द्वारा बनाई गई डायनामाइट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी और उन्होंने अपनी विस्फोटक की कंपनी 20 से ज्यादा देशों में खोल दी। डायनामाइट का यूज करके
अब बहुत ही आराम से पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ा जा सकता था, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए जा सकते थे, और जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व में देखा जाने लगा। लेकिन साथ ही साथ इसका गलत प्रयोग युद्ध में भी बहुत तेजी के साथ किया जाने लगा, और इस आविष्कार की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई, जिसका पूरा आरोप डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल पर आ गया, और लोग उन्हें मौत का सौदागर और मौत का व्यापारी कहकर बुलाने लगे। अल्फ्रेड को इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि उन्होंने इसका खोज एक अच्छे काम के लिए किया था। वह अब बूढ़े हो चुके थे और अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया के नाम करने के बाद वह बदनाम होकर नहीं मरना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी, और मरने से पहले अपनी संपत्ति उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए दान कर दी जो दुनिया की प्रगति और शांति की तरफ सबसे अच्छा काम करेंगे। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई, लेकिन हर साल उन्हीं के द्वारा दान की गई संपत्ति से 10 दिसंबर को इस विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों, आज लोग उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक और समाज सेवक के रूप में याद किया करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।